द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए फिर से हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस हैं और ये प्रैक्टिस सेट उन बच्चों के लिए जो है जो लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है आगामी कुछ ही दिनों में लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग कहीं ना कहीं से थ्योरी पढ़ ही रहे होंगे, ठीक ना। तो प्रैक्टिस सेट करने इस चैनल पर ज़रूर आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसी ऑप्शन का जिक्र करेंगे जो आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, ऑप्शन को आंसर को करते चलिए और चारों ऑप्शन भी आपको पढ़ते रहना। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ आपको बताना है भैया, ठीक ना। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, असंगत कार्य करना, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न का जिक्र करते हैं। कह रहा है कि तद्भव शब्द किससे बना है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि तद्भव जो आपका होता है किससे बना है। तो आप जानते हैं कि तत्सम का ये परिवर्तित रूप ही क्या कहलाता है, ठीक ना। तत्सम शब्द का परिवर्तित रूप ही आपका क्या होता है भैया, तद्भव होता है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, ये भी आपको पता है कि दिनचर्या में जो वर्ड्स आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक ना, बोलचाल की भाषा में, वो आपका क्या होता है, तद्भव। और जो कम से कम यूज करते हैं, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, तत्सम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको क्या बताना भैया, तत्सम बताना है। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत के हूबहू वर्ड जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, तत्सम कह देते हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कहा क्लिक किया है, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, ठीक ना। तत्सम शब्द पूछा है तीसरे में, तो तीसरे का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है पाकिट मार में आपको क्या बताना भैया, समास बताना है। तो पाकिट मार में कौन सा समास है, चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पाकिट मार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है भैया, तत्पुरुष समास है पाकिट मार। चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, ठीक ना, तो आप लोग ध्यान भी देते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें आपको बताना है कि, ठीक ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका ता वर्ग का नहीं है। तो आप जानते हैं कि, ठीक ना, स्पर्शी व्यंजन को पांच भागों में बांटा गया है, का वर्ग, ठीक ना, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ठीक ना, ये सब वर्ग ही तो हैं आपके, का चा टा पा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि व्यंजन, ठीक ना, ता वर्ग का नहीं है। तो ताथा दादा ना, ठीक ना, जिसमें ये आते हैं ता वर्ग के होते हैं, बाकी जो नहीं है, नहीं का जिक्र किया गया है। तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक ना, ये आपका ता वर्ग में, ठीक ना, ता वर्ग का नहीं है। बाकी ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ता वर्ग। नहीं का जिक्र किया है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। तो आपको बताना है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये सरल है, मिश्रित है, संक्षिप्त है या फिर संयुक्त है। तो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सही जवाब, जैसे ही एक काम ख़त्म हुआ तुरंत दूसरा काम हुआ, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भैया, मिश्रित वाक्य होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ना, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या पूछा है, ठीक ना, इसमें आपको पूछे हैं कि बहुव्रीहि सामासिक पद के बारे में, सामासिक शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो सातवें का जो सही जवाब होगा बिल्कुल सही, गजब। जिन बच्चों ने आंसर बी किया है, ठीक ना, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, लुप्त पद इसका राइट आंसर होगा। तो सातवें का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक अनार सौ बीमार, तो आपको बताना है, ठीक ना, ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है या वाक्य है, ठीक ना। तो दो ऑप्शन आपके वैसे ख़त्म हो गए होंगे, दो ही बचा होगा, ए और डी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक ना। तो एक अनार सौ बीमार, ये आपका क्या है, तो एक आपका क्या है, लोकोक्ति है। चलिए बहुत सुंदर, ठीक ना, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। नौवें का आपको बताना है, नौ नंबर में आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, किसी वाक्य के अंश को आप
क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ए पदबंध, बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी वाक्य के अंश को आप क्या कह देते हैं? पदबंध आपका राइट आंसर होगा। तो नौ का ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? दस नंबर कह रहा है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तो संस्कृत के भैया मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे आप क्या कहते हैं भैया? अभी हमने कहा कि जो संस्कृत से वर्ड लिए गए हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। संस्कृत का जो हूबहू वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं? तत्सम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? माँ बालक को दूध पिलाती है। तो माँ भैया बालक को क्या पिला रही है? दूध पिलाती है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सकर्मक, आकर्मक या अधिकर्मक क्रिया है। तो माँ बालक को दूध पिलाती है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें दो कार्य, ठीक ना, ठीक ना, दो क्रियाएँ हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमसे क्या कह रहा है? एक विधेय होता है भैया, तो एक विधेय किसमें होता है? आप जानते हैं, ठीक ना। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साधारण वाक्य में, ठीक ना, एक विधेय होता है। ठीक, एक विधेय पाया जाता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग बताते चलिए, ठीक ना। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि इसमें आपको बताना है, थोड़ा सा कट गया है, विद्यालय में, अरे ये तो क्या यार, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, फटाफट आप लोग बताते चलिए। चलिए विद्यालय में आपको बताना है संधि। तो विद्यालय में भैया कौन सा संधि है? दीर्घ है, व्यंजन है, विसर्ग है या स्वर है, ठीक ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसमें कौन सा संधि है भैया? दीर्घ स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बाबू? 5, ठीक ना। तो उसमें से ये आपका क्या है? विद्यालय में, ठीक है, दा पे बड़ा आ की मात्रा, विद्यालय, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ, ठीक ना, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। चलिए 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर आपसे क्या कह रहा है? इसमें आपको बताना है वर्तनी के दृष्टि से आपको ये बताना है कि द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा। तो द्वंद्व भैया कैसे लिखा जाएगा? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक ना। बहुत बच्चों ने गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। तो द्वंद्व आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मन लगा के, ठीक ना, आप लोग टेस्ट देते रहिए, आगामी कुछ ही दिनों में आपकी वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक, और एक सीट पक्की करने के लिए आप लोग लगे रहिए। कोप शब्द का आपको क्या बताना भैया? पर्यायवाची बताना है। तो कोप शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमर्स, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो ठीक ना, कोप का विलोम, सॉरी, पर्यायवाची मतलब क्या कहते हैं, ठीक ना। तो 15 का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द कहते हैं, ये कहना चाह रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। तो आपको बताना है भैया कि मैं अपना सिर क्या करता हूँ? खुजलाता हूँ, इस वाक्य में है। तो इस वाक्य में क्या है भैया? सकर्मक, आकर्मक का है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आकर्मक क्रिया है, बाल खुजवाने में कोई कर्म वर्म नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भैया? आकर्मक, ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब। 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर में हमसे क्या कहा? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसको हम लोग भैया संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। गजब की बात है, ठीक ना। तो कह रही मीरा आधा लीटर दूध क्या ली है? वो पी चुकी है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है? गुणवाची, संख्यावाची, ठीक ना, सार्वनामिक या परिमाणवाची। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि गुणवाची खो नहीं सकता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संख्या भी नहीं, क्यों? क्योंकि दूध को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक होगा। बहुत गजब, ठीक, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर में आपको कह रहा है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो भैया स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा नहीं है? दाल, मई, दही, दर्द, गर्दन, ठीक ना। तो कहा है भैया स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन दाल, दूसरा मई, तीसरा डी जो आपका दर्द है, और सी आपका क्या है भैया? गर्दन है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक ना, दर्द जो है, ठीक ना,
मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इसमें नहीं का जिक्र किया गया है, तो दर्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द में सर्वनाम के भेद बताना है, क्या आपको बताना है, निश्चय संबंध है, प्रश्न है, ठीक ना, अनिश्चय है क्या है भैया, या निजवाचक सर्वनाम है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 20 में जिन बच्चों ने क्या क्यों, ठीक ना, ये सब क्या होते हैं भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर में आपको क्या बताना है, सूर्य शब्द का समानार्थी मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नहीं का बहुत विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, नहीं है तो आप जानते हैं 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यामिनी, ठीक ना, ये बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, बिल्कुल सही होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद आप कर देंगे, ठीक ना, तो आपको मनोरथ में आपको क्या बताना भैया, संधि विच्छेद करके, ठीक ना, बताना है, तो 22 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने क्यों, क्योंकि आप जानते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मनः प्लस रथ, ठीक ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नैसर्गिक में आपको क्या बताना है, पर्याय वाची आपको बताना है, समानार्थक आपको बताना है कि नैसर्गिक का, ठीक ना, समानार्थी क्या होगा, तो ये कई बार, ठीक ना, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हूबहू यही चारों ऑप्शन ही कई एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, प्राकृतिक बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले, ठीक ना, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो 24 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि हाथ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं का जिक्र किया गया है, ठीक ना, तो 24 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटी, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, तो हाथ का पर्यायवाची 24 में आपसे पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको मेरे भाई बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो प्रभाकर, दिनकर, ठीक ना, दिनेश, ये सब बचपन से पढ़ते आए हो, तो इनमें से कौन सा मिल गया भैया, विभाकर, ये नहीं है, ठीक ना, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है, ठीक ना, तो मित्रों के साथ भी अपने शेयर करिए, इस चैनल के बारे में बताइए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।